आपकी तरफ भी जाना चाहूंगा, स्टेज फाइव का सर्कल चल रहा है, कहां कहां है टीम्स, और ये देखिए पूरी की पूरी ईस्टर्न बेल्ट को कवर किया हुआ है। वो एक गेम जो सांप वाला गेम आता है ना, वैसी फीलिंग आ रही है, जिसमें आप एक सांप से दूसरे सांप को अगर खा लेते हैं तो वो सांप उतना ही बढ़ जाता है, वैसी फीलिंग आ रही है जिस हिसाब से ये पूरे डॉट्स लंबे लग रहे हैं। बट 8-bit Mac जेनिक्स एफएम के वांटेड को डाउन करेंगे। टीम गॉडलाइक अभी भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्योंकि बीच में ना ओपन एरिया में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए सोच रहे हैं कि आगे जाए या ना जाए। स्मोक वॉल बनानी पड़ेगी, बट देन आगे इवेंचुअली जो फाइट्स होंगी वहां पे शायद स्मोक्स की जरूरत पड़े, तो वो कंज्यूमेबल थ्रोएबल्स को भी पूरा कंज्यूम कर देना, दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट डिसीजन एट द मोमेंट। कंपाउंड मिल चुका है, अब चाहिए अगला शिफ्ट सर्कल का अपनी तरफ। बहुत सारे फ्रैग्स उठा सकते हैं, लेकिन ये देखिए एक्टिव फाइट, कार्निवल गेमिंग, गॉब्लिन बट खाता इनका भी नहीं खुला हुआ है, बहुत सारी टीम बची हैं। ये जब हम इतनी सारी टीम दिख रही है, खाते खुले नहीं है, तो खाता खुल किसका रहा है? ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के स्लग बिहाइंड द बॉल नजर आते हुए, और यहाँ पे चलिए शॉट देने की कोशिश की थी, बट व्हाट इज हैपनिंग, मौका था लेकिन अनफॉर्चुनेटली शॉट्स मिस किए, और स्लग तुरंत जवाब देंगे। और ये क्या हुआ, कार्निवल गेमिंग अभी अभी तो सिर्फ गॉब्लिन थे और अब सिर्फ अक्षत बच गए हैं। लेकिन रीजन ये था कि गॉडलाइक भी इस फाइट पे पार्टिसिपेट करते नजर आए। जोनाथन ने वहां बैक टू बैक दो खिलाड़ी को डाउन करा, देख सकते हैं आप, दो फ्रैग उनके खाते में जुड़ चुके हैं। और ना केवल गॉडलाइक, आईक्यू सोल ने भी थोड़ा थर्ड पार्टी करनी चाहिए और उसमें उनको फायदा मिला। अभी के लिए टीम कार्निवल गेमिंग, मुझे लग रहा है कि शायद वो जो आखिरी खिलाड़ी बचा है उसको अब प्लेसमेंट पॉइंट पे ही अब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, या फिर कोई भी फाइट चल रही हो तो उस फाइट के उस फ्रैग को चुराने पे ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज इस मुकाबले से के अंदर जाने की एक होड़ मची हुई है, स्मोक से विजन ब्लॉक जरूर किए जाएंगे उनके, ताकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन पैदा किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुकाबले से शून्य के साथ ही वंचित रहना पड़ेगा टीम कार्निवल गेमिंग को। ये धमाका माफिया को डाउन करता नजर आएगा, बहुत बड़ा मुश्किल है यहाँ से टीम फॉरएवर का एंट्री कर पाना। जोनाथन भी कोशिश करेंगे माफिया को फ्रैग सुनिश्चित करेंगे, चार फ्रैग जोनाथन के पास आ चुके हैं, उनके खाते में जरूर छूट चुके हैं, लेकिन उन्हें पता है अभी फाइट नहीं खत्म होने वाली, फाइट तो अभी और भी आगाज चलता रहेगा, क्योंकि उनके साथ शायद टीम फॉरएवर के खिलाड़ी अभी भी एमजे बचे हैं, और एमजे की यही खासियत है वो भी काफी एक स्किल के खिलाड़ी है, क्लच के निकालने के मामले में वो उनका नाम भी सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है। और ये देखिए कहां से यमजे ने निकाला है कॉडल्सा, क्या उन्होंने स्पॉट नहीं करा था, ये एक बड़ा ट्रबल, जहां पर तीन खिलाड़ी जिंदा नजर आते टीम गॉडलाइक के, अब मात्र एक प्लेयर बचे हुए जोनाथन। ये डेस्परेट मूव थोड़ा सा उनके ऊपर हावी होता नजर आया, और साथ ही साथ जनता को एक बार मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा गाइस, 1,60,000 हमारे हो चुके हैं कंप्लीट सब्सक्राइबर, तो थैंक यू, ऐसा ही प्यार देते रहिए, और नेक्स्ट गोल जो है 1,80,000 का वो भी आप जरूर करा दीजिएगा। लेकिन अभी के लिए बैटल की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद आपके बेनिफिट की हम जरूर चर्चा करेंगे। सामने की तरफ स्मोक बॉल बना के एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन आइकोसोल जोकर अभी के लिए जोकर इज रेडी विद ग्रेनेड, चार ग्रेनेड इकट्ठा किए हुए हैं, रज के फ्रैग निकाले, और यहां गॉडलाइक के जोनाथन चार फ्रैग्स इनके खाते में, कंधे पे बहुत बड़ा प्रेशर अभी भी इनके सामने, इनके अलावा छह टीम नजर आ रही है।